This event was held in 1990 Montek Chelmsford reforms. ये reforms कोई new नहीं है, ये reforms वही है जो मिंटो मॉलरे reforms में बताया गया था. Separate electorate की इसमें बात की गई थी. सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की बात की गई थी. बेसिकली ये समझिए खुद मुख्तियारी होती है कि सारी जो कम्युनिटीज रह रही थी उस टाइम पे, जिसमें ब्रिटिशर्स थे, मुस्लिम्स थे, बांग्लादेशी थे, उन सबको ब्रिटिशर्स की तरफ से जो है मतलब कहा कि आपको भी आप समझे इलेक्शंस जो हो रही हैं, प्रोविजनल सीट्स जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, उनमें आपको भी हक है आने का. उसके अलावा 1999 में हुआ था अमृतसर इंसिडेंट. ये हुआ था बेसिकली 10 अप्रैल 1990. In the city of Amritsar, General Dyer, a main personality. अमृतसर ट्रीटी, अमृतसर ट्रीटी हुई थी 10 अप्रैल 1919 को, जिसमें जनरल डायर जो थे मेन पर्सनालिटी, जो अपोजिशन थे हमारी तरफ से, तो उन्होंने क्या किया था, बैन किया था सारी पब्लिक मीटिंग्स जो हो रही थी. जैसे मतलब इंडिपेंडेंस के लिए मीटिंग्स हो गई, या कोई पैक्ट्स बन रहे थे, कोई रिफॉर्म्स बन रहे थे, हिंदू और मुस्लिम्स जो मीटिंग्स कर रहे थे पब्लिक, उन पे जनरल डायर ने बैन लगाया था. उसके गुस्से में ये इंसिडेंट हुआ था. बैन लगाने के समझे जो उसके रिएक्शंस थे उन पे ये इंसिडेंट हुआ था. वो इंसिडेंट ये था कि 13 अप्रैल जो थी 1990 को 20,000 लोग एक जगह पे जमा हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए. 13 अप्रैल को 20,000 लोग, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक हमें जो है फिगर मिलता है 20,000 पीपल गैदर्ड फॉर अ पीसफुल प्रोटेस्ट. ये जमा हुए थे, उस जगह का नाम था जनीवाला बाग. जनरल डायर ने बेसिकली 1600 जो थे उस पे फायरिंग करवाई थी, जिसमें से 400 लोग तकरीबन मरे थे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अ
अगर मैं एक एक इंसिडेंट को आपको लिख के बताऊंगी तो फिर यही मसला होगा कि जो है टाइम टेक बहुत हो जाता है, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम सिर्फ पाकिस्तान स्टडी में ही फंसे हुए हैं, इसी वजह से मैं जस्ट वर्बली आपको समझा रही हूँ। जो मैंने कही है वो आप अपने रजिस्टर्स में लिख सकते हैं। नो नो नायला, ये कानपुर इंसिडेंट नहीं है, कानपुर इंसिडेंट दूसरा था, ये अमृतसर इंसिडेंट है। कानपुर इंसिडेंट मैंने आप सबको असाइनमेंट दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप में से सिर्फ चंद लोगों ने मुझे असाइनमेंट जमा करवाई है। यस फायरिंग हुई थी, यस इन पे भी फायरिंग हुई थी और इसमें किलिंग भी बहुत हुई थी, तकरीबन 400 पीपल वर किल्ड। बट इनका जो एग्जैक्ट रेशियो वो बता रहे हैं, एक दो बुक्स में वो था 379, लेकिन तकरीबन 400 के करीब आप ले लें। ओके जी, इवेंट्स में करवा रही हूँ, 1919 से 1922 में हुआ था खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जब वर्ल्ड वॉर वन एंड हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर वन एंड हुआ था तब ब्रिटिशर्स जो थे वो डिवाइड हो गए थे। उसके बाद उन्होंने जो है हर जगह पे अपने जो है इन्वेजन स्टार्ट कर दी थी। उसमें से एक जो था खिलाफत कमेटी वॉज सेट अप। दो पर्सनैलिटीज थी इसमें, मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड शौकत अली। वालेकुम अस्सलाम अलीजे, यू आर लेट।
यस, रिकॉर्डिंग आप सबको सेंड कर दी जाएगी। सबको मेरी वॉइस आ रही है? यस बेटा जी, कानपुर इंसिडेंट में आपको इन द लास्ट बता दूंगी, ठीक है? ये हम कवर कर लें, उसके बाद काइंडली सब अपने आप को म्यूट पे कर दें। नेहरू रिपोर्ट, बेसिकली नेहरू रिपोर्ट में थे 9 मेंबर्स। उसमें से 2 मुस्लिम्स थे, एक था शुएब कुरैशी, एक था इमाम अली। शुएब कुरैशी और इमाम अली 9 मेंबर्स में से 2 मेंबर मुस्लिम्स थे। ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 2 जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट में अच्छा रोल प्ले किया था। एक था मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली। उसके बाद मैं करवा रही हूँ नेहरू रिपोर्ट। आप चेक कर लें आपको स्क्रीन सही नजर आ रही है। जिन्होंने अपनी वीडियो ऑन की हुई है, मोहम्मद अमन काइंडली वीडियो ऑफ कर दें, वीडियो ऑफ कर दें। यस आई एम सेइंग टू अमन, अमन काइंडली आप अपनी वीडियो ऑफ कर दें। कंटिन्यूइंग विथ नेहरू रिपोर्ट, देयर वर 9 मेंबर्स। 2 वर, नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन अगस्त 1928।
नेहरू रिपोर्ट बेसिकली मैं आपको इन द डीप नहीं समझाऊंगी क्योंकि उससे नेहरू रिपोर्ट से कोई एमसीक्यू नहीं आया है अबाउट कि नेहरू रिपोर्ट में क्या था, उसकी जस्ट पब्लिशिंग डेट पूछी जाती है या मेंबर्स पूछे जाते हैं कि मुस्लिम्स कौन कौन से थे। बेसिकली नेहरू रिपोर्ट हमारे मुस्लिम्स के अपोजिट बनाई गई थी, मतलब उसमें जो है हिंदुओं को ज्यादा जो है प्रायोरिटी दी गई थी, ज्यादा मतलब जो इम्पोर्टेंस दी गई थी उनको, ताकि जो उनके सारे काम है, उनकी जो रिलैक्सेशन है वो उसको अवॉइड कर सके। ठीक है, तो बेसिकली नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया था, नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया था। उसके बाद आए थे 1929 में 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आजम। बेसिकली ये थे इन रिएक्शन टू द नेहरू रिपोर्ट, जब जिन्होंने देखा। यस आई एम रिपीटिंग, शुएब कुरैशी एंड इमाम अली। फोर्टीन पॉइंट्स आई थी इन द रिएक्शन टू द नेहरू रिपोर्ट, वो 14 पॉइंट्स में आपको यही नहीं पढ़ाऊंगी। आपको याद होंगे कायदे आजम के 14 नुक्ते, पब्लिश्ड ऑन 28 मार्च 1929, एग्जैक्ट डेट आती है। बाकी आपको यहाँ पे नुक्ते नहीं याद करवाए जाएंगे बिकॉज आई नो कि आप सबने बचपन से वो पढ़े हुए हैं। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद बेसिकली जो है मुसलमानों ने सोचा था कि वी वांट अ सेपरेट स्टेट, अब हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, अब हमें चाहिए अपना अलग होमलैंड। In 1930, first round table conference हुई थी, first round table conference। यस, इकबाल एड्रेस भी हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हुई थी 12 नवंबर 1930। ये बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी वजह से हुई थी क्योंकि काफी इश्यूज चल रहे थे, काफी मूवमेंट्स चल रहे थे हिंदुओं के और मुसलमानों के, कि हमें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए। और ब्रिटिशर्स को कहा जा रहा था कि नाउ योर टाइम इज ओवर, यू शुड गो नाउ, तुम लोगों को जाना चाहिए क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारी सल्तनत है, हम ही इसे चलाएंगे। और मुसलमान और हिंदू भी अलग ही, एक दूसरे से अलग ही होना चाह रहे थे। तो बेसिकली ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो वीडियो शो हो रही है आप सबको, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की थी, ठीक
ठीक है, क्योंकि काफी तनाजात आ गए थे हिंदू मुसलमानों के बीच में, वो ब्रिटिशर्स को भी निकालना चाह रहे थे और खुद भी अलग होना चाह रहे थे मुसलमान और हिंदू। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ मुसलमान भी जो हैं वो आए थे, उनकी प्रेजेंस थी वहां पे। उनमें से एक थे सर आगा खान थ्री। सर आगा खान थ्री सर आगा खान थ्री कौन थे? और सर आगा खान थ्री, मैंने पीछे आप सबको पढ़ाया है। अब अगेंस्ट नहीं थी ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिशर्स जो हैं इन्होंने ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी थी। यस, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी। मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दोबारा रिपीट कर रही हूँ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेसिकली ब्रिटिशर्स ने अनाउंस की थी क्योंकि काफी मसले चल रहे थे, काफी इश्यूज चल रहे थे अब मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में, कि अब एक टेबल पे बैठ के, एक कॉन्फ्रेंस में बैठ के हमको जो है इक्वली मर्जिंग करनी चाहिए और बातें करके रिजॉल्व करना चाहिए मसला, मसले का हल। ये ना कहें कि हमें अलग होमलैंड चाहिए, ब्रिटिशर्स ये चाहते थे। और दूसरे जो पर्सन थे जिन्होंने जो है ज्वाइन किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मोहम्मद अली जौहर। उसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना ने भी जो है ज्वाइन किया था, और मोहम्मद शाफी। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उन सबको बता दें कि ऑलरेडी जो है हाफ एन आवर हो गया है हमारे लेक्चर को। लेक्चर चल रहा है पाकिस्तान स्टडी का, जिसमें हम इवेंट्स कर रहे हैं, इवेंट्स कर चुके हैं हम 1930। जिनको अगर कोई जो है प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है कि मोहम्मद अली जिन्ना पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, वो काइंडली कंफर्म कर ले एक बार। मुझे कंफर्म है कि मोहम्मद, ओके आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आप सबको आवाज क्लियरली आ जाए। Yes, there were four members who attended first round table conference: Sir Aga Khan III, Muhammad Ali Johar, Muhammad Ali Jinnah, or Qaid-e-Azam Muhammad Shafi. Or Shafi, Muhammad Shafi. These were four members who attended first round table conference, और जिनका मैसेज आया था मेरे पास कि मोहम्मद अली जिन्ना पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, काइंडली थोड़ा सा मुझे वर्कआउट करके आप बता दें। हो सकता है मैंने कहीं पे गलत पढ़ा हो, लेकिन मैंने पढ़ा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ही थे वहां पे प्रेजेंट थे। उसके बाद हुआ था 1930 में अलाहाबाद एड्रेस। फोर्थ
40 मिनट्स बाद जूम क्लाउड मीटिंग में हमारी क्लास एंड हो जाएगी, उसके बाद न्यू सेशन न्यू लिंक में आपको सेंड करूंगी, वो ज्वाइन करना है आप सबको इन केस अगर 40 मिनट्स बाद ऑफ हो जाता है। अलाहाबाद एड्रेस हुआ था 29 दिसंबर 1930 को, इसमें मेन जो लीडर थे वो थे अल्लामा इकबाल। ओके अलाहाबाद एड्रेस जो था बेसिकली इट वॉज बाय फ्रॉम अल्लामा इकबाल, ही पुट फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ सेपरेट होमलैंड। सेपरेट होमलैंड अल्लामा डिमांडेड फॉर सेपरेट होमलैंड। इस एड्रेस में बेसिकली जो डिमांड किया गया था वो था कि हमें एक अलग वतन बनाना है, नाउ वी वांट अ सेपरेट होमलैंड। ये डेट 29 दिसंबर 1930, बेसिकली ये डेट है सेशन की जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हुआ था, जिसमें जो अलाहाबाद में हुआ था। बेटा जी चीजों को मिक्स अप ना करें, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं करवाई अभी तक, मैं आपको 1930 के दो इवेंट्स करवा रही हूँ। उसके बाद 1930 में ही जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था 29 दिसंबर 1930 को, अल्लामा इकबाल जो है उन्होंने एड्रेस किया था वहां पे। यहाँ पे सेपरेट इलेक्ट सॉरी सेपरेट होमलैंड की बात की गई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है मैंने करवाई है, सेकंड नहीं करवाई।